मैं इतना ही कहूंगी नई पीढ़ी को कि जब वो तिरंगा देखें तो याद रखें कितनों ने बलिदान दिए ताकि हम इसे शान से लहरा पाएं, कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने त्याग किए ताकि हम आजाद भारत में सांस ले पाए। तो सर उठाकर जी रहा है हिंदुस्तान, और उसके लिए जरूरी है कि आने वाले 25 साल भी संकल्पों से भरे हों ताकि हम हर हिंदुस्तानी की अपेक्षा पे खरे उतरे। देश की एकता अखंडता बनाए रखेंगे, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को हम यहाँ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि लाल किले से देश के 130 करोड़ लोगों को कि तिरंगा मात्र चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगा 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करता है। और हम याद करें स्वतंत्रता सेनानी को जिन्होंने अपना जान न्यौछावर भारत की आजादी के लिए की थी। हम विश्वास दिलाते हैं कि भारत को एकजुट रखेंगे और भारत को और मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज़ादी का उत्सव है और इसमें हर भारतीय हर देशभक्त को जुड़ना चाहिए और जुड़ते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यही एक आह्वान है कि ये तिरंगा जो सरकार तक रुका हुआ था, ये तिरंगा जनता तक पहुंचे, और वही इस 15 अगस्त को हो रहा है जहां हर घर तिरंगा पहुंच रहा है।